अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार जैसे मैंने आप सबको बताया था, हमारा प्रोग्राम बन रहा है अफ्तार पार्टी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, चलते अफ्तार पार्टी का सीन है। ठीक है, कुछ बंदे हम लोग के वो बाकी जो है दोस्त यार, वो तो मसरूफ है, मार्केट वगैरह में वो काम करते। ये 5-6 बंदे जाएंगे तो वो व्लॉग में मिल जाएगा। निकलते हैं, अब 5:30 हो चुके हैं, हम चलते हैं वहाँ से। फिर फ्रूट वगैरह लेके जाना है, वहाँ पहुँचना है। मेरे ख्याल से हम लोग शायद दो दरिया या चाइना पोर्ट जा रहे हैं। रस्ते में बता देंगे कहाँ जा रहे हैं, सारा रस्ते का आपको व्यू मिलेगा, सब कुछ सिनेमैटिक शॉट वगैरह सब कुछ मिलेगा, टाइम लिप्स मिलेगा। एंजॉय करना ब्लॉग को, एंड तक देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो निकलते हैं अब अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में हमारे साथ क्या क्या परेशानियां पेश आई, आगे क्लिप में इन तक व्लॉग को देखते जाए और लाइक कर देना वीडियो को। तो भाई हमारा प्रोग्राम बना था 5 बजे दो दरिया का, सब दोस्त यार इकट्ठे होकर अपने सफर के लिए निकल जाए। रोजा खुलता है 6:55 और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच तो गए, लेकिन रास्ते में सीन क्या हुआ हमारे साथ, कैसे कैसे हम काम कर पहुंचे। फिर अल्लाह का शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर हमारे साथ एक और सीन हो गया जिसकी वजह से हमने अफतारी लेट की। हमारा प्रोग्राम बना था रिश्के का, हमने रिश्का वगैरह बुक कर लिया था। एंड में जाके वो रिश्के वाले ने कुछ ये वो किया, मतलब लेट हो गया काफ़ी। हमने बाइकों का इंतज़ाम किया फटाफट से, जल्दी से हमने बाइकें निकाली, हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। वक्त काफ़ी कम था और काम बहुत ज़्यादा था। हमने लेने थे समोसे, पकौड़े और बिरयानी, और बिरयानी वाले के पास भी काफ़ी टाइम लग चुका था। अपने इलाके से निकले 6:30 बजे, जो कि हमारा रोज़ा खुलना था 6:55 पर। और दो दरिया केमाड़ी से काफ़ी ही दूर है, आप सबको जैसे पता होगा भाई ट्रैफिक कितना होता है रास्तों में। और था भी सैटरडे का दिन, छुट्टी वाला दिन, और एंड एंड के दिन थे रोज़ों के, जैसे कितने लोग आते हैं अफ्तार पार्टी के लिए वहाँ पर। और हम भी अपने सफ़र के लिए निकल गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच तो गए, लेकिन आगे आगे क्या होता गया वो आगे आ गया। तो भाई साथ साथ एक और परेशानी पेश आ गई, पेट्रोल का रोला। तो पेट्रोल जैसे आप लोगों को पता है क्या रेट चल रहे पेट्रोल के भी, तो इस हिसाब से हमें गाड़ी को भी भगाना चलाना होता है। तो हम निकले भाई क्लिफ्टन के साथ वाले पेट्रोल पंप पे, तो भाई 6:30 पे ही भाई दस्तरखान बिछा दिए गए थे तारी के लिए, और पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया था। फिर हम निकले बिलावल हाउस के पेट्रोल पंप की तरफ, आगे देखते क्या होता है। दूसरी बाइक पे लड़के थे ये अफ्तार पार्टी में शामिल थे दो से। फाइनली हम पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके थे, और ये शुक्र है अल्लाह का ये वाला पेट्रोल पंप बंद नहीं हुआ। कुछ ही बाइक वगैरह थी, हमने भी पेट्रोल भरवा लिया। तो भाई पेट्रोल पंप बंद कर रहे थे, पेट्रोल वाले अंकल की बहुत मेहनत की, उसके बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डाल दिया पेट्रोल, मना नहीं किया क्योंकि रोज़ा था यार हमारा भी और हम बहुत जल्दी में थे। तो यार पेट्रोल वगैरह डलवा लिया था फाइनली, उसके बाद ट्रैफिक भाई इतनी बढ़ गई सीवीओ रोड पर, इतनी बढ़ गई क्या बताऊँ आपको। जिस रोड से हम आ रहे थे वहाँ गाड़ी फंस चुकी थी यार। तो यार रास्तों में हमने इतने मसले मसायलों को फेस करना पड़ा, फाइनली ट्रैफिक खुला और उसके बाद सारे ही जल्दी में फटाफट से भगाते हुए, और ये 1-5 वाला भाई तो भाई बहुत ही स्पीड में निकल गया। भाई साहब वक्त बहुत कम था और हमने भी लगाई स्पीड, 6:45 पर हम पहुंचे क्लॉक टावर। तो वही लोग दूसरी बाइक पे हमारे साथ दोस्त यार थे, और वो इस वक्त हमारे साथ पीछे ट्रैफिक में घूम चुके थे, हम समझे वो हमसे आगे निकल गए, लेकिन नहीं, वो कॉल्स वगैरह भी नहीं उठा रहे थे, वो हमारे पास बैलेंस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो भाई इस वक्त हम DHA Phase 8 मैकडोनल्ड की ब्रांच के पास एक अंकल खड़े थे, हमने उनसे कहा कि हमें कॉल करनी है, आगे सुने आप। तो भाई इन अंकल के पास भी बैलेंस नहीं था और हम निकल पड़े भाई सीधा सीधा। तो यहाँ रोड बिल्कुल साफ मिल गया, लेकिन क्या करें हमारे बंदे ही गुम हो गए थे, तो इस वजह से हम इन्हें रोड पर ढूंढते ढूंढते जा रहे थे।
अल्हम्दुलिल्लाह हम इफ्तार के टाइम पर 6:55 पर पहुंच गए थे दोदरिया ट्रैक पर, लेकिन हमारे बंदे गुम हो चुके थे, हम उनका वेट कर रहे थे। पर हमने अंकल को कहा कि एक कॉल करनी है, तो अंकल को हमने नंबर बताया, उन्होंने कॉल की, लेकिन भाई हमारे बंदे कॉल ही नहीं उठा रहे थे। फाइनली यार हमारे बंदे मिल चुके थे काफ़ी देर बाद, और अजाने भी हो गई थी। लोग इतना लेट हो गए और यहाँ पर पहुँच चुके, देख सकते हो भाई ये दानियाल भाई और सामने इमरान भाई, हम लोग पहुँच चुके, सारे लेट हो गए थे। अभी फटाफट से जल्दी से खोलते हैं रोज़ा, वहाँ पे देखो कितनी आवाम आई हुई है। रोज़ा खोल लिया उन्होंने, तो हम खोल के फिर आप सबसे मिलते हैं। देखो अभी तक हम लोग ने फ्रूट वगैरह भी नहीं काटा था। समझाऊ ना अभी तुम्हारे चार्जर गंदा करता हमारे मियां भाई यार से काटा वो तरफ चटनी में सरपुर डाल ली। अरे पानी है यार, रखो अरे पानी गिरा उसका। अभी इस टाइम पे चटाई वगैरह उठा रहे हैं, टाइम ओवर हो गया, फुल अंधेरा है चारों तरफ, लोग जा रहे, बस हमने भी कहा हम भी निकलते हैं। दो काम कर रहे हैं भाई। हेलो गाइस, कोई कहा देना आजा आजा। हाँ सही है, का चैनल का नाम है AH टेक्निकल, उनको सब्सक्राइब करें। उनको जो भी बोलो काट देना, काट दिया उसका एक ये भाई, इस भाई को भी सब्सक्राइब बनाओ, इसको भी सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल है। सामान वगैरह सेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं यहाँ से घर पे, या जहाँ पे भी जाएंगे मिल जाएगा ब्लॉग में आप सब। यार ट्रेड इनके काम देखो, सारी वगैरह करके आ चुके हैं। अभी हम लोग आए हुए क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में जमजम अला होटल वाले के पास, सारे आए हुए बिस्किट चाय वगैरह, ये देखो भाई चाय वगैरह पीते, इसके बाद में चाय बहुत मीठा है।